दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक और भारतीय वायुसेना की आन बान शान राफेल फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पहली बार राफेल की स्कैपल क्रूज मिसाइल के साथ इमेज शेयर की। ये पहली दफा है जब राफेल अपने एकीकृत महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली के साथ दिखा है। स्कैपल क्रूज मिसाइल के साथ राफेल विमान हवा में 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। इसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कह सकते हैं। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी बड़े और अति सुरक्षित ठिकाने को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। राफेल का सबसे खतरनाक हथियार स्कैपल PM-15 मिसाइल, जिससे पड़ोसी दुश्मन देशों की हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय राफेल के आगे कहीं टिकता नहीं, लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट कई मामलों में राफेल को टक्कर देता है। लेकिन चीन के फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास है। हमारे राफेल में ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही जो दुश्मन को मौत की नींद सुला दे, राफेल को आता देख दुश्मन को कोई काल दिखाई दे। आइए जानते हैं राफेल कैसे पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बेहतर है। राफेल का कॉम्बैक्ट रेडिएशन यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस कहते हैं। राफेल का कॉम्बैक्ट रेडियस 3,700 किलोमीटर है, जबकि F-16 का 4,200 किलोमीटर है, वहीं J-20 का 3,400 किलोमीटर है। राफेल में तीन तरह की मिसाइल लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैपल मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। राफेल में लगी मिटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैपल मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। खैर, चीन पाकिस्तान राफेल के नाम से कांपते हैं, खास तौर से चीन, क्योंकि चीन को बार बार किसी देश की सीमा में घुसने का आदत हो गया है। लेकिन चीन ने इस बार ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, इस बात को चीन पाकिस्तान बिल्कुल ना भूले कि ये नए दौर का भारत है जो आँख में आँख डालकर बात करना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।